I'ma need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out in Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision. It couldn't be clear. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me some. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और जो आज जिस जगह मैं आया हूँ ये बहुत ही स्पेशल जगह है हमारे लिए, क्योंकि जब मैं साइप्रस में नया आया था और मेरे कज़न भी मेरे साथ थे, वो मुझसे 6 महीने पहले ही आए थे, मैं उनके बैग में आया था। तो ये वो जगह है, ये वो विलेज है जहाँ पर आके हमने कम से कम 1 साल हमने यहाँ पर स्टे किया। उसके बाद हम इस विलेज से दूसरी तरफ मूव हुए थे लिमासोल सिटी में। तो आज मैं इस विलेज के बारे में आपको बताऊंगा और थोड़ा बहुत आपको इसके व्यू दिखाऊंगा कि ये कितनी अच्छी जगह है रहने के लिए। ये जो आप मेरे पीछे वो वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, छोटा सा एक हट देख रहे हैं आप, तो ये यहाँ का ग्रोसरी स्टोर था। इसका सीन ये है कि ये दिन में 10 बार, 5 बार, 6 बार ओपन होगा। उस टाइम अगर आप यहाँ पे हो तो आप ले लोगे यहाँ से जो कुछ भी आपको खाने के लिए लेना है। अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो फिर आपको वेट करना पड़ता था कि कब इसका ओनर आएगा और ये ओपन करेगा आके। और उसके साथ ये वाली बिल्डिंग, ये यहाँ का छोटा सा रेस्टोरेंट, इसका भी सेम सीन है। और ये यहाँ का सरपंच है मिश्रा की, जो स्पेशली यहाँ पे आके बैठा था स्मोक और कोल्ड ड्रिंक, ये दो चीज़ें इसको होनी चाहिए यहाँ पे आके, उसके बिना इसकी दिन नहीं निकल रहा अच्छे से। और जो ये रेस्टोरेंट, इसके हमें खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मीट वगैरह मिलेगा, वो भी बहुत कम बीफ मिलेगा यहाँ पे, या फिर लैम्ब। ज़्यादातर यहाँ पे आपको मिलेगा पोर्क, जो कि हम खाते नहीं थे। या फिर जब कभी हमें ऑफ होता था, काम नहीं होता था हमारे पास, या फिर कॉलेज नहीं जाना होता था, उस टाइम हम आके इवनिंग टाइम यहाँ पे बैठा हुआ करते थे। इस चेयर पे मैं बैठता था, मेरे कज़न भी मेरे साथ बैठते थे, तो यहाँ पे बैठ के हम बातें वगैरह करते थे, जैसे कि आपको पता है गपशप लगती थी यहाँ पे बैठ। यहाँ पे बैठते थे इवन के अभी भी यहाँ पे हम बैठ के इतना अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील करते हैं यहाँ पे बैठ के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। तो यहाँ पे आपको ये दरख्त दिखाई देते हैं, ये सभी ओलिव के दरख्त हैं। तो यहाँ की साइप्रस की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम आए थे कश्मीर से यहाँ पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर था 25-30-32 डिग्री के आसपास, मैक्सिमम वहाँ पे 32 या मान के चलो कि 33-35 भी जाना जाता था कभी कभी। लेकिन जब हम साइप्रस में आए यहाँ पे, तो यहाँ का टेम्परेचर था उस टाइम 40-45, कभी कभी तो 48 डिग्री भी चला जाता था। तो नए नए आए थे हम यहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं होता था कि आप एक रूम में घर में बैठ के आप एक टाइम अच्छा फील करो। तो
हम इवनिंग टाइम उस टाइम घर से निकलते हैं, यहाँ पे आके बैठते होते थे। कम से कम 6-7 या 8 बजे हम घर से निकलते थे। रात के 11-12 बजे हम यहाँ से वापस आते थे घर में, वापस फिर रात को सोने के लिए, क्योंकि सुबह सवेरे उठ के हमें काम पे भी जाना होता था या फिर कॉलेज वगैरह क्लास अटेंड करने के लिए जाना होता था। तो गाइस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ का घर है हमारा लिमासोल, उसकी तरफ हम जा रहे हैं आज वापस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ये इसको शेयर, लाइक और कमेंट कर दें, और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ये शेयर भी कर दें आप। थैंक यू सो मच।